और गाइस स्पीड देख सकते हो भाई काफी जबरदस्त बढ़ती जा रही है, 600 साढ़े 600 की स्पीड से गाड़ी ने जंप किया है। ओ भाई यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा है तो कमाल करके दिखा दिया। ओ गाइस आराम से हो जाएगा मेरे को लग रहा है सभी गाड़ियों का, एंड स्पीड से ही देख सकते हो यार साढ़े। अभी ये क्या हुआ भाई, फिलहाल तो आप भी देखो स्पीड देखो भाई 700 800 की स्पीड से जंप किया है, एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई ये पूरा मैप क्रॉस करने वाली है। तो हेलो गाइस क्या हालचाल, बढ़िया सब? तो गाइस एकदम दोबारा से खेलने वाले यहाँ पे GTA 5, और गाइस आज हम अपनी इंडियन कार पे दोबारा से काला जादू करके गाइस यहाँ पे जंप चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस आज का जंप चैलेंज होने वाला है गाइस यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग का, जो कि मतलब मैंने लाइक काफ़ी बार किया है, बट गाइस यहाँ पे अपनी जो इंडियन कार होती है ना वो लाइक यार इतनी बड़ी रिवर को यार जंप नहीं कर पाती, लाइक सुपर कार ने तो शायद से करा है बट इंडियन कार ने नहीं कराया। तो गाइस आज देखते हैं क्या भाई अपनी काला मतलब अपनी गाड़ी पे जो काला जादू लगा है क्या उसके बाद जो है अपनी सारी की सारी इंडियन कार जो है यहाँ पे इन मतलब इतनी बड़ी जो रिवर है उसको क्रॉस कर पाती है नहीं, वही चीज़ देखने के लिए गाइस आपको वीडियो तक एंड तक मतलब देखनी पड़ेगी। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगे यार तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से बढ़ते हैं गाइस अपनी पहली गाड़ी की तरफ। ओके गाइस मैंने अपनी पहली गाड़ी गाइस यहाँ पे ली है भाई आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कार चुकी है गाइस अपने टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, एंड लेट्स सी गाइस अपनी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा यार इतने बड़े रिवर को क्या क्रॉस कर पाएगी। और स्पीड तो आपको पता है भाई भाई जबरदस्त होने वाली है क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रैक है। लेट जो गाइस यहाँ पे तो थोड़ा ढलान है तो मैं आराम से ले जा रहा हूँ, एंड आप ही बहाते हैं फुल रफ्तार। और गाइस स्पीड देख सकते हो भाई काफ़ी जबरदस्त बढ़ती जा रही है, 600 साढ़े 600 की स्पीड से गाड़ी ने जंप किया है। ओ भाई यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा है तो कमाल करके दिखा दिया। ओ गाइस अभी ऐसी रिवर तो ये दो पार कर जाएगी। ओ भाई भाई भाई, भाई पूरा सीधा रेलवे ट्रैक के ऊपर आके लैंड होने वाली है। ओ भाई ओके गाइस यहाँ पे जो है भाई इनोवा क्रिस्टा ने तो काफ़ी खतरनाक ही जंप कर दिया है, बाकी अभी बहुत सारी गाड़ियां बची हैं, देखते हैं उनमें से कौन कौन जो है यहाँ पे इस चैलेंज को पूरा करता है। ओके गाइस अपनी अगली गाड़ी अपन लेने वाले हैं गाइस अपनी न्यू वाली महिंद्रा की बोलेरो नियो गाइस, और नियो तो यार मेरे को लगता है भाई ये इनोवा क्रिस्टा से भी आगे जंप करेगी, मतलब लाइक मेरे को अब यहाँ तक मतलब इतना तो क्लियर हो गया है कि यार यहाँ पे गाइस अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो भाई इस रिवर को बहुत आराम से क्रॉस करने वाली। इतनी स्पीड देख रहे हो भाई, भाई स्पीड देखो 600 प्लस की स्पीड हो रही है गाइस, एंड ये लो भाई इनोवा मतलब इनोवा कह रहा हूँ नियो ने भी भाई खतरनाक जंप मारा है, एंड लेट्स सी गाइस क्या ये रेलवे क्रॉसिंग के भी पार गिरेगी और देखते हैं फिलहाल क्या होता है। एंड ओके गाइस ये गाड़ी भी जो है रेलवे क्रॉसिंग के पार जंप होने वाली है, एंड यहाँ पे ओके ओके गाइस अपनी जो नियो है उसका जंप अगर देखा जाए तो इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा लंबा जंप है, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा रेलवे ट्रैक पे जंप होकर यहाँ तक आई है और इसका तो सीधा पार ही हुआ है। ठीक है तो गाइस अपनी अगली गाड़ी हम लेने वाले हैं गाइस यहाँ पे अपनी न्यू वाली टाटा सफारी, और लेट्स सी गाइस देखते हैं टाटा सफारी का भाई क्या सीन रहता है, क्या क्या लगता है गाइस क्या आज मतलब इतना खतरनाक हमारे भाई ने मॉडिफिकेशन करा है तो क्या आज कोई भी गाड़ी मतलब अपने इस चैलेंज में यहाँ पर फेल होने वाली है गाइस, क्या लगता है? फिलहाल तो ये जो जंप हुआ है ना बीच में ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है अपनी न्यू टाटा सफारी को, बट स्पीड उसके बाद भी भाई जबरदस्त है गाइस, एंड गाड़ी का बम्पर भाई पूरा हिल चुका है, और भाई ऊपर रैम देख रहे हो क्या जबरदस्त दिख रहा है यार, काफ़ी लंबा रैम तुम्हारे भाई ने मतलब बना रखा है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे भाई न्यू टाटा सफारी ने भी जो है पूरा रेलवे क्रॉसिंग के पार यहाँ पे जंप लिया है, बाकी हाँ आज ये भी देखना होगा कि वो सामने वाले रनवे तक यार कौन सी गाड़ी जंप करती है। बाकी गाइस अभी नेक्स्ट कार पे बढ़ते हैं। ओके गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी किया सेल्टोस, और लेट्स सी यार गाइस किया सेल्टोस की मैक्स स्पीड कितनी जाती है और क्या ये यार वो वाले रनवे तक जंप कर पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग चैलेंज से गाइस ये रनवे जंप चैलेंज बन चुका है, क्योंकि रिवर क्रॉस तो बहुत आराम से हो जाएगा मेरे को लग रहा है सभी गाड़ियों का, एंड स्पीड से ही देख सकते हो यार साढ़। अभी ये क्या हुआ भाई, ओ शिट गाइस ये तो गलत सीन हो गया भाई, अबे नहीं यार गाइस इस गाड़ी का बम्पर किसी रीज़न की वजह से टकरा गया, और यार क्या सेल्टोस ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, ओ नो यार गाइस ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ओ शिट शिट शिट, अरे पार नहीं नीचे नहीं गिर रहा है। ओके ओके गाइस दोबारा ले चलेंगे अपन यहाँ पे उसको एक बार ना, दोबारा जंप तो कराना ही है क्योंकि मैं लाइक रिवर क्रॉस तो कराना की सोच ही रहा हूँ यार। बाकी गाइस यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मतलब क्या मजाक से चल रहा है क्या? हाँ ओके ओके, अरे रुक ले भाई मेरे को गुस्सा आ गया ना, मैं फेंक दूंगा भाई यहीं से नीचे। अबे रुकना कैसे पलटती जा रही है कि चूमू गाड़ी है भाई, ले ओ इंजन ख़राब गाइस आग लग चुकी है। चलो अब जो है सो है, ठीक है अब जो है सो है कुछ नहीं कर सकते, और गाड़ी में आग लग चुकी है गाइस, एंड भाई ये पानी में गिरने से पहले क्या ब्लास्ट होगी या फिर नहीं आओ देखते क्या होता है। एंड
ओके गाइस, भाई लकली टाइम पे गाड़ी पानी के अंदर आ गई, वरना ये पूरा का पूरा यहाँ पर फटने वाली थी गाइस। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस यहाँ पे, अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और मेरे को लगता है गाइस अपनी जो लेजेंडर है ना, वो गाइस यहाँ पे है गाइस, वो वाले रनवे पे जंप करेगी। मेरे को जहाँ तक मतलब फीलिंग अंदर से आ रही है, बाकी अभी क्या होगा मेरे को भी सही में नहीं पता है। बाकी गाइस अपनी लेजेंडर निकल पड़ी है भाई, और स्पीड देखते हैं इसकी कितनी मैक्स जाने वाली है। एंड ओके 650। और भाई इसका भी बोनेट वीनेट आगे से टकराया था। ओ भाई लेजेंडर ने तो बहुत ऊंचा जंप कर दिया है यार, और देखना होगा क्या ये भाई पूरा रनवे पे। ओके गाइस भाई लेजेंडर ओपी, गाइस भाई लेजेंडर यहाँ पे रनवे पे गिरने वाली है। एंड लेट्स गो। ओ भाई 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 पूरा का पूरा रनवे क्रॉस कर दिया भाई लेजेंडर ने। गाइस एक बार कमेंट में लेजेंडर के लिए ओपी हो जाना चाहिए, बाकी आप लोग किया सेल्टोस के लिए भी सैड लाइफ लिख सकते हो। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली। क्या यार ये तो भाई नई हो या पुरानी, मतलब टाटा हैरियर तो एक ही है ना, मतलब अपने पास में तो एक ही है, तो भाई अपन लेके चल रहे गाइस टाटा हैरियर को। ठीक है, मतलब पता नहीं यार कभी कभी मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ जिनका मतलब ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। ठीक है फिलहाल तो अभी चलते हैं गाइस, देखते हैं यार न्यू वाली टाटा मतलब फिर से न्यू भाई हैरियर देखते हैं गाइस यहाँ पे कितनी खतरनाक जंप करती है। पिछले वाले गाइस चैलेंज में भाई इस गाड़ी ने सबसे लंबा जंप करा था, और अभी भी देखते हैं भाई स्पीड बहुत ज़बरदस्त थी। और ये देखो भाई भाई साहब पूरा फ्लिप विलिप मार रही है, मतलब लाइक पूरा हवाबाजी है। और हैरियर का जंप तो भाई उससे भी लंबा है लेजेंडर से। ओके गाइस, ओ भाई लेजेंडर को फटका मार दिस, मतलब इस बात से हैरियर बताती है कि मैं भी देखो किसी से कम नहीं। मतलब यार गाइस भाई लेजेंडर फिर भी यार जो है अपने रनवे पे आके लैंड हुई थी, बट हैरियर तो भाई साहब पूरा रनवे ही क्रॉस करके लैंड करी है गाइस। ओ भाई एक बार हैरियर ओपी पे हो जाना चाहिए गाइस। गाइस अपनी अगली गाड़ी हम लेने वाले हैं गाइस अपनी न्यू फिर से न्यू। भाई मैं कितनी बारी न्यू बोलूंगा, पागल हो गया हूँ क्या मैं। हाँ गाइस अपन लेके चल रहे हैं अपनी महिंद्रा की XUV 500 को। ये न्यू नहीं है, ये अपने पास ओल्ड ही है, मतलब जो है सो है। न्यू और ओल्ड अपन को कुछ नहीं लेना है, न्यू गाड़ियाँ कुछ ही अपने पे दो चार। चलो गाइस अभी देखते हैं गाइस जो अपनी XUV 500 है वो भाई यहाँ पर कितना लंबा जंप करती है, क्या ये हैरियर का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। लेट्स सी गाइस। स्पीड ओके, स्पीड ठीक थी, गाड़ी की स्पीड अच्छी थी, 500 मतलब 620 के अराउंड गाड़ी ने मतलब लाइक जंप किया है उस स्पीड से। अब देखना होगा गाइस, और मेरे को लगता है यार XUV 500 भाई बहुत पीछे है गाइस, अब तक का सबसे पीछे वाला जंप इसी का है, मतलब लाइक सबसे पीछे जंप जो है, मतलब पीछे कम डिस्टेंस जो है इसी गाड़ी ने कवर करा है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी महिंद्रा थार, और भाई आप सभी की चहेती है, काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई है, मतलब पसंद क्या पसंद है भाई थार। और लाइक गाइस मैंने एक वीडियो देखी थी यार, उस वीडियो में पता है लाइक भाई एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था लोगों से कि लाइक उन लोगों ने इंडिया किससे अगर कोई गाड़ी मंगानी हो तो वो कौन सी गाड़ी मंगाएंगे। तो भाई एक बंदा पता है क्या बोलता है कि यार मेरे को कभी मौका मिला ना तो भाई मैं महिंद्रा थार मंगाना चाहूँगा। मतलब लाइक देख रहे हो भाई भाई उस कंट्री में जो है भाई थार की डिमांड आ रही है भाई, मतलब काफ़ी फेमस हो चुके हैं गाइस अपनी महिंद्रा थार भाई, अपने ऑफ रोडिंग और अपने 4x4 मतलब जितने भी खतरनाक चीज़ें कर सकती ना उन सबको लेकर यार बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है गाइस अपनी जो महिंद्रा थार है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। एंड बाकी देख सकते हो यार अपनी महिंद्रा थार का भी जंप जो था उतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, बट ठीक है गाइस यहाँ पर रिवर तो एटलीस्ट इसने क्रॉस कर ही दिया है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी भी गाइस अपनी महिंद्रा की है, और ये है गाइस अपनी महिंद्रा की XUV 700 रुपी, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी लगती है मेरे को। और है भाई इसके फीचर आप लोग देखोगे ना भाई, इसमें ऑटो पायलट वगैरह दे रखा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फीचर इसके अंदर है। फिलहाल तो अभी देखते हैं गाइस इस गाड़ी के साथ में अपन ने जो मॉडिफिकेशन करी है क्या ये उसके बाद इस रिवर को तो क्रॉस कर जाएगी। अब देखना है क्या रनवे तक जा पाती है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़बरदस्त थी, 650 मतलब ऑन एन एवरेज स्पीड से गाड़ी ने जंप करा है। एंड यहाँ पे गाइस ओके यार XUV 700 यहाँ पे थोड़ा सा रह गई, बट देख सकते हो गाइस पूरा रेलवे क्रॉसिंग पार करके जो है मतलब गाड़ी ने साबित कर दिया यार कि ये प्रीमियम कार है गाइस। तो गाइस अपनी अगली कार है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 और अपनी गैंगस्टर बीस्ट कार गाइस, मतलब तुम्हारे भाई ने भी देख रहे हो यार, मतलब लाइक गाड़ियों के भी नाम रख दिए अपनी मॉन्स्टर बीस्ट कार, लेजेंडरी कार, और ये अपनी गैंगस्टर बीस्ट कार हो चुकी है। ठीक है मतलब लाइक अभी तो बहुत गाड़ियाँ बची हैं जिनका अपन को नामकरण करना है, तो आप लोग के भी मन में अगर कोई और गाड़ी का नामकरण आ रहा हो, मतलब नाम अच्छा लगता हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं अगली बार से ट्राई करूंगा उसी नाम से उस गाड़ी को पुकारने का। फिलहाल तो गाइज अपनी गैंगस्टर बीस्ट कार ने जंप काफ़ी तगड़ा किया है, और लेट्स सी कितना लंबा जंप करती है। ओ भाई ये भी रनवे पे जंप करने वाली है गाइज,
भाई पूरा रनवे पे जंप ऑल राइट। ओ भाई भाई रनवे पे आके जंप करा है, मतलब देखा जाए तो भाई गैंगस्टर बीस्ट कार है तो खतरनाक यार। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी हमने ली है गाइस अपनी न्यू वाली महिंद्रा की स्कॉर्पियन, और इसको लोग बिग डैडी एसयूवी के नाम से भी जो है बुलाते हैं, और शायद से ये नाम इस पे सूट भी करता है। आप देखते हैं जिस नाम से इसको पुकारते हैं क्या काम भी गाइस ये वैसा ही करती है। एंड फिलहाल तो स्पीड देख सकते हो भाई स्कॉर्पियन की काफी जबरदस्त है, और यहाँ पे भाई 600-650 के अराउंड स्पीड से जंप किया है गाइस स्कॉर्पियन S11 बोलने वाला था मैं स्कॉर्पियन ने। और यहाँ पे बिग डैडी एसयूवी अभी तो हवा में है डैडी जी अपने, और डैडी जी जमीन पे आएंगे तो देखते हैं कहाँ पे लैंड होते हैं। और ये जस्ट यहाँ पे ओके भाई एसयूवी 78 से तो थोड़ा आगे ही जो है इसने आके जंप किया है, और थोड़ा सा यार डैडी जी का मूड टूट चुका है, बट कोई बात नहीं है गाइस अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कार पे। तो गाइस अभी हम लेके जाने वाले हैं गाइस अपनी मॉन्स्टर बीस्ट कार गाइस फोर्ड एंडेवर को, और गाइस आपको पीछे एक गाड़ी दिख रही होगी, और अगर आप लोगों ने इस गाड़ी को पहले वीडियो में नोटिस कर लिया तो आप लोग कमेंट में बताना ठीक है। बाकी हाँ उस कार के लिए यार देखो लाइक तो बनता है, और आप लोग गैस करके बताओ गाइस क्या जो अपनी वो वाली गाड़ी है क्या वो यहाँ पे इन सभी गाड़ी को रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है गाइस, मेरे को भी ये चीज़ जाननी है। तो लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो भाई एंडोवर की स्पीड, ओ भाई ये क्या हो गया, ओ शिट यार गाइस भाई एंडोवर का बम्पर कैसे लड़ सकता है, इतनी ऊंची गाड़ी का बम्पर लड़ गया, आई डोंट नो गाइस भाई मैं बातों में भी जीता, और अचानक से होता है ना सडनली सरप्राइज मिल गया गाइस। अभी नए काम करते हैं एंडोवर को अपन रिवर्स लेके जाएंगे ठीक है, और इसको भी जो है यार एटलीस्ट रिवर्स तो क्रॉस कराई थी। वैसे मेरा तो मन नहीं था कि यार मेरे को ये चीज़ देखनी थी कि यार ये गाड़ी जो है यहाँ पे भाई पूरा का पूरा मतलब लाइक वो जो रनवे है वहाँ तक जा पाती है नहीं, बट अभी क्या ही करे यार। और ये लो भाई पटाखे छोड़ रही है, बट उसके बाद भी देखो भाई इतने छोटे रन में भी गाड़ी ने 500 की स्पीड पकड़ ली। ऑल राइट गाइस एंडओवर भी ओपी है भाई एंड ओरे रे रे भाई 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 ये तो पूरी पूरी अल्टी पल्टी मार रही है गाइस। ओहो स्टेयरिंग काम करता है क्या, वो काम कर रहा है गाइस स्टेयरिंग काम कर रहा है। एंड ओ भाई पूरी फ्लिप फ्लिप मार दिया एंड ऑल राइट गाइस भाई इतने छोटे रनम में भी जो है यार एंडओवर ने काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर किया। तो भाई मतलब इस बात के लिए क्या बोलूं, इस बात के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो, हाँ सब्सक्राइब करो गाइस ठीक है। तो गाइस फाइनली आप लोगों का यहाँ पे इंतजार खत्म होता है, अब गाइस हम ट्राई करने वाले हैं भाई इस चैलेंज की सबसे ज़्यादा खतरनाक कार का। वैसे तो देखो लाइक मेरे को पता है काफ़ी सारे लोगों को ये गाड़ी नहीं पसंद होगी, बट गाइस भाई GT5 के अंदर ये गाड़ी जो है ना भाई सुपर कार को टक्कर देती है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं ना उन्हीं की डिमांड पे ये गाड़ी मैं चैलेंजेस में वापस लाया हूँ, क्योंकि ये गाड़ी ना भाई बिल्कुल भी फेयर चीज़ें नहीं करती है। आप देखते हैं गाइस वैल्यू का कमाल यहाँ पे। फिलहाल तो आप भी देखो स्पीड देखो भाई 700 की स्पीड से जंप किया है, एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई ये पूरा मैप क्रॉस करने वाली है। ओ भाई भाई जंप देखो कहाँ से जंप किया है वो देखो भाई वहाँ से जंप किया है, और भाई ये गाड़ी क्रेजी है भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ मैं रिएक्शन भी नहीं दे पा रहा यार। अबे यार मतलब गाइस मैं इसीलिए इस गाड़ी को नहीं लाता भाई, इस गाड़ी के लेवल की ये गाड़ी इंडियन कार में कैसे हो सकती है आप खुद बताओ भाई। भाई इतना लंबा जंप यार भाई कहते यार मतलब क्या बताओ भाई, वेन्यू ओपी है गाइस मतलब है भाई ओपी है तो है गाइस। गाइस अभी हम लेके चलने वाले हैं अपनी टाटा सफारी डाइकोर ओल्ड इज गोल्ड को यहाँ पे, और देख लो तुम्हारे भाई ने इसका भी नामकरण कर रखा है, मैं इसको हमेशा ओल्ड इज गोल्ड बोलता हूँ क्योंकि यार ये गाड़ी पर्सनली यार काफ़ी अच्छी लगती है, और अपने ज़माने में तो भाई क्या ही इनने मतलब जलवे उठाए हैं। फिलहाल तो आजकल उनके मतलब जो है ना लाइक कॉम्पिटिटर काफ़ी आ गए, बट होता है ना यार पुरानी चीज़ की अलग ही बात होती है। बाकी स्पीड देखते हैं, ओ भाई डाइकोर की भी स्पीड ज़बरदस्त है। एंड लेट्स सी गाइस ये वाली जो गाड़ी है भाई कितना लंबा जंप करने वाली है। भाई मेरे को लग रहा है यार रनवे तक तो आई थिंक ये जाना चाहिए इसको भी, बट लेट्स सी रनवे तक तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, बट हाँ रेलवे लाइन के पार तो गिरेगी भाई, हाँ रेलवे लाइन के पूरा क्रॉस मतलब रेलवे क्रॉसिंग के पार गिरी, मैं बोला रेलवे क्रॉसिंग के मतलब वो कुछ तो अटपटा बोलने वाला था बट तब मेरे को पता लगा मैं गलत बोलने वाला हूँ। गाइस अभी हम लेके चलने वाले हैं गाइस अपनी देसी महिंद्रा बोलेरो को, और मैं इस गाड़ी को देसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये आपको पता है यार कौन सी जगहों पे सबसे ज़्यादा चलती है यार, और वहाँ पे यार अपने देसी भाई लोग रहते हैं। क्या गाइस आप लोग भी देसी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड गाइस देखते हैं भाई बोलेरो का जलवा क्या रहने वाला है। फिलहाल तो स्पीड देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक है भाई 650 की स्पीड से, एंड ये देखो भाई घूमर घूमर हो गया भाई पूरा गाड़ी जो है 360 नाच रही है,
ऐसा भी स्टाइल में कोई किसी गाड़ी ने जंप नहीं करा गाइस, अपनी बुलेरो करके दिखा रही है और उसके बाद भी ये रनवे पे गिरेगी। ओ भाई भाई बुलेरो भी भाई खतरनाक है, मतलब लाइक गाइस अपनी इंडियन कार में जितनी भी गाड़ी है ना, एक से एक खतरनाक और एक से एक जबरदस्त गाड़ी है भाई। तो मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ यार, मैंने सही बताऊँ मतलब अपनी इंडियन गाड़ियों का ही फैन हूँ लाइक, इसीलिए मेरे को ज़्यादा स्पोर्ट्स कार अच्छी नहीं लगती मतलब पर्सनली बताऊँ। बाकी गाइस अभी लास्ट गाड़ी बची है तो जल्दी से यार उसका भी टेस्ट करके देख लेते हैं। गाइस अभी लेके चलते हैं गाइस अपनी आखिरी गाड़ी को, और ये है गाइस अपनी हुंडई की वर्ना। और गाइस आप लोग अच्छा एक चीज़ मेरे को ये भी बताना कि लाइक कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है वर्ना के लिए, ठीक है? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो आप लोग एक बारी कमेंट में यार हार्ट जरूर से बना गया ना, ठीक है? तो मैं उस चीज़ से समझ जाऊँगा कि यार मतलब आपने वर्ना के लिए भाई पूरी वीडियो को यहाँ पे वॉच किया है। बाकी गाइस अभी देखते हैं वरना का भाई क्या होता है, क्योंकि ये सेडान कार है और बम्पर लड़ने का काफी चांसेस थे और लड़े भी हैं भाई। ये देखो आगे से गाड़ी की चोंच बन चुकी है, ऐसी ऐसा टाइप की चोंच बन गई, आप देख सकते हो भाई भाई काफ़ी अजीब चोंच बन गया। एंड जंप उसके बाद भी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है भाई। ये देखो अलग ही लेवल का जंप है इस लाइन ऑफ फायर में, मतलब इस लाइन में किसी भी गाड़ी ने जंप नहीं करा है भाई। वरना ने मतलब अलग कैटेगरी की गाड़ी, मतलब कैटेगरी में जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ सेडान थी, मतलब सेडान कह रहा हूँ, कोई एसयूवी थी, कोई एमयूवी थी, कोई हैचबैक थी, कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, ये भाई सेडान कार, ये इकलौती सेडान कार थी और ये अलग ही लेवल पे आके आई भाई। देख रहे हो यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी है, बाकी एसयूवी अब पीछे है, कोई आगे है, बट गाइस भाई अपनी जो एक सबसे खतरनाक गाड़ी है ना, लाइक वो यहाँ से इतनी दूर है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि भाई उस गाड़ी ने तो भाई कमाल ही करके दिखा दिया है। बाकी यहाँ सेकंड पे शायद से गाइस अपनी हैरियर है, ठीक है? एंड थर्ड पे शायद से पता नहीं कौन है, मेरे को नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताना। बाकी गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो यार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं यार अगली किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।